विद्यार्थी छात्रों, आप सब से मिलकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत एक मजेदार खेल से करें? मेरे पास दो प्लेटें हैं जिनमें 10-10 बिस्कुट रखे हुए हैं। दो छात्रों को स्वेच्छा से आकर एक मिनट में सारे बिस्कुट खाने की कोशिश करनी है, पर एक शर्त है, वे अपने हाथों से बिस्कुट नहीं उठा सकते। उनके हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे और उन्हें केवल अपने मुंह का इस्तेमाल करके बिस्कुट खाने होंगे। जो छात्र सबसे ज्यादा बिस्कुट खाएगा वह जीत जाएगा। क्या आप तैयार हैं? आपका समय शुरू होता है अब। यह मजेदार था ना? क्या आपको खेलने में और खेल देखने में मजा आया? अब आपके लिए एक प्रश्न है। कल्पना कीजिए कि आप किसी के घर गए हैं और वहां आपको इस तरह बिस्कुट खाने को कहा गया है, तब क्या आपको ऐसा करने में मजा आएगा? क्यों या क्यों नहीं? सही कहा आपने, इस तरह का व्यवहार सही नहीं होता, क्योंकि इससे मनुष्य की मान मर्यादा और सम्मान को ठेस पहुंचती है। आइए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। दो दोस्त निखिल और भास्कर सड़क पर चल रहे थे। उन्होंने सड़क पर 5 रुपए का एक सिक्का देखा। भास्कर ने वह सिक्का उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। निखिल को इस बात पर आश्चर्य हुआ। कुछ दूरी पर एक होटल था। भास्कर उस होटल की तरफ बढ़ने लगा। निखिल सोचने लगा कि भास्कर ऐसा क्यों कर रहा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? अभी पता चल जाएगा, बस थोड़ी देर इंतजार करो। भास्कर होटल के अंदर घुसा और वहां की मेज पर रखे दान पात्र में वो सिक्का डाल दिया। एक अनाथालय ने वह दान पात्र वहां रखा था। निखिल ने राहत की सांस ली, पर अब भी उसके मन में एक प्रश्न था। अगर तुम्हें सड़क पर 50 रुपए का नोट मिलता तो क्या तब भी तुम ऐसा ही करते? बिल्कुल, मैं ऐसी चीज कभी नहीं लूंगा जो मेरी ना हो। भास्कर में कौन सा गुण है? भास्कर में ईमानदारी है। अब आपके लिए एक पहेली है। अभी हमने दो गुणों के बारे में बात की, ईमानदारी और मान मर्यादा। किसी भी अच्छे व्यक्ति में ये दो गुण होने चाहिए। एक ऐसा शब्द है जो इन दोनों गुणों को जोड़ देता है। उस शब्द के अक्षरों को आगे पीछे करके दिखाया गया है। अक्षरों को सही क्रम में लगाकर क्या आप वह शब्द पहचान सकते हैं? सही बताया, वह शब्द है आत्मसम्मान। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है उसे ईमानदारी और मान मर्यादा की सही समझ होती है। क्या आपने इस तरह की बातें पहले सुनी हैं? जब किसी ने ऐसा कहा हो या कभी आपके मन में ऐसी बात आई हो? इन वाक्यों से क्या पता चलता है?
बातों से ऐसा महसूस होता है कि हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं या फिर हम में कोई कमी है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जिसकी नाक, कद और वजन बिल्कुल सही हो? इन बातों के कोई निर्धारित मापदंड नहीं होते। ये बातें हर संस्कृति, देश, समाज इत्यादि के लिए अलग अलग होती है। कोई भी दो व्यक्ति, चाहे वे जुड़वा ही क्यों ना हो, एक जैसे नहीं होते। व्यक्तियों के बीच में तुलना करना निरर्थक और व्यर्थ होता है। किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान काफी हद तक इस बात से निर्धारित होता है कि वह अपने रूप रंग के बारे में क्या सोचता है। रूप रंग को लेकर खुद में कोई कमी महसूस करने से कुछ हासिल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति सुंदर ना हो तो वह उस बारे में कुछ नहीं कर सकता। हमें यह सोचना चाहिए कि रूप रंग हमारे जीवन का केवल एक हिस्सा है। बहुत सी बातें रूप रंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसी सोच और व्यवहार से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान का मतलब है अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना। आइए अब एक कार्यकलाप करते हैं। मैं एक दृश्य का वर्णन करूंगी। शेखर 9वीं कक्षा में पढ़ता है। उसकी क्लास के कुछ छात्र उसे हीरो मानते हैं। वह जहां भी जाता है वे उसके पीछे पीछे चलते हैं। रोज शाम को शेखर यह निर्णय लेता है कि वे सब कहां खेलने जाएंगे या फिर कहां बैठकर बातें करेंगे। एक दिन जयेश यह सुझाव देता है कि सबको मेले में जाना चाहिए। तभी शेखर जयेश से पूछता है, तुम कब से इन बातों के बारे में निर्णय लेने लग गए? दूसरे दोस्त भी जयेश की हिम्मत को देखकर दंग रह गए। जयेश शेखर को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसीलिए वह अपना सुझाव वापस लेता है और सबसे माफी मांग लेता है। अब 5 छात्रों को स्वेच्छा से आकर इस दृश्य का अभिनय करना है, ठीक है? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। क्या आपने किसी बात पर ध्यान दिया? जयेश के व्यवहार से क्या पता चला? क्या वह शेखर को पसंद करता है? क्या उसने शेखर को अपने नेता के रूप में स्वीकार लिया है या फिर उसमें आत्मसम्मान की कमी है? पहला, जयेश शेखर को पसंद करता है। दूसरा, जयेश ने शेखर के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया है। तीसरा, जयेश में आत्मसम्मान की कमी है। हम ये कह सकते हैं कि औरों की तरह जयेश में आत्मसम्मान की कमी है। जयेश ने पूरी तरह खुद को शेखर के हवाले कर दिया है। वह तो जैसे शेखर का दास ही बन गया है। अपनी इच्छा या राय व्यक्त करना भी उसके लिए नामुमकिन हो गया है। इस तरह किसी का दास बनना आत्मसम्मान वाला व्यवहार नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करेगा तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वह खुद को किसी से कम नहीं समझता। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा है, उसी तरह अभिमानी होना भी आत्मसम्मान की निशानी नहीं होती। जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान होता है वह यह बात समझता है कि दूसरों में भी आत्मसम्मान होता है।
इसीलिए दूसरों के सम्मान की कद्र करते हुए उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। झूठी शान और अहंकार को कभी कभी गलती से आत्मसम्मान के रूप में देखा जाता है। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, क्या किसी ने आपके सामने खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की है? तब आपको कैसा लगा? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बता सकते हैं? अपनी भावनाओं के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। आइए एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। गणेश को तबला बहुत पसंद है, इसीलिए उसने तबला सीखना शुरू किया। उसके मास्टर जी अनुशासन के साथ सिखाते थे। जब भी गणेश कोई गलती करता था, वे उसकी आलोचना करते थे। गलतियां बताए जाने पर गणेश का मन करता था कि वह सीखना ही छोड़ दे। उसके हाथ दर्द करने लग गए, वह और सीखना नहीं चाहता था। गणेश को अब क्या करना चाहिए? पहले, गणेश को और नहीं सीखना चाहिए। दूसरा, गणेश को फिर से कोशिश करनी चाहिए ताकि वह अच्छी तरह तबला बजा सके। तीसरा, गणेश को बिना मन के तबला बजाना सीखते रहना चाहिए। उचित यह होगा कि गणेश फिर से कोशिश करें ताकि वह अच्छी तरह तबला बजा सके। इससे मास्टर जी को भी गुस्सा नहीं आएगा। मास्टर जी को पता है कि गणेश को तबला बजाना बहुत पसंद है। सीखना छोड़ने से या फिर बिना मन के सीखने से वह अपना शौक पूरा नहीं कर पाएगा। जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान होता है, वे कमजोर नहीं पड़ते। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और अपनी हार से भी सबक सीखते हैं। ऐसे सबक मूल्यवान होते हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि भविष्य में हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता और गुणों पर विश्वास होता है और वे हारने से नहीं घबराते। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना। अब आपके लिए दो प्रश्न हैं। टीवी पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम कौन से हैं? क्यों? क्या आप इसके बारे में हमें बता सकते हैं? वह कोई भी कार्यक्रम या विज्ञापन हो सकता है, ठीक है? इस बारे में बताने के लिए धन्यवाद। श्वेता एक अच्छी छात्रा है जो आगे की पढ़ाई के लिए किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है। उसे टीवी देखने का बहुत शौक है और उसके कई पसंदीदा कार्यक्रम हैं। परीक्षा में आजकल उसके अंक कम होने लगे हैं। उसके माता पिता और शिक्षक उसे सलाह देते रहते हैं। वे चिंतित है कि आने वाली बोर्ड की परीक्षा में वह क्या करेगी। पर श्वेता इस परिस्थिति का सामना नहीं कर पा रही। जब भी वह पढ़ने बैठती है, उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि किसी टीवी सीरियल में आगे क्या होने वाला है। इससे क्या पता चलता है? श्वेता को टीवी देखने की लत लग गई है। किसी की सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ है। सब लोगों ने उसे इस समस्या से निकालने का प्रयास कर लिया है,
पर असली जिम्मेदारी तो उसे ही उठानी है, वह खुद इस बारे में कुछ नहीं कर पाई है। इस उदाहरण से पता चलता है कि जिस व्यक्ति में आत्मसम्मान ना हो वह कैसा होता है। आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं और वे अपने गुणों के आधार पर सफलता प्राप्त कर पाते हैं। वे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। श्वेता अगर चाहे तो खुद को अनुशासित रखकर वह किसी प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पाने की चुनौतियों का सामना कर पाएगी। नव युवकों को कई चीज़ों की लत लग जाती है। आत्मसम्मान होने से वे लत से छुटकारा पा सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संक्षिप्त में कहें तो आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना। मुझे यकीन है कि अब आप समझ गए होंगे कि अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार बनना कितना जरूरी है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना। छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। क्या हम आज के सत्र की शुरुआत उन बातों से करें जो हमने पिछले सत्र में सीखी थी? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना। चलिए अब एक परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। आपके माता पिता आपकी मनपसंद मिठाई लाए हैं। आपकी बहन इस वक्त घर पर नहीं है। आपने अपने हिस्से की मिठाई खा ली है और आपकी बहन के हिस्से की मिठाई अभी रखी हुई है। आपका मन हो रहा है कि आप बची हुई मिठाई भी खा लें। आप क्या करेंगे? अपनी बहन के हिस्से की मिठाई भी खा लेंगे, अपनी बहन का इंतजार करेंगे और उससे और मिठाई मांगेंगे, अपनी बहन के हिस्से की मिठाई उसके लिए रखेंगे। अपनी बहन के हिस्से की मिठाई भी खा लेंगे चुना है तो यह लालच का संकेत है। अपनी बहन का इंतजार करेंगे और उससे और मिठाई मांगेंगे, इससे स्वार्थ का संकेत मिलता है। अपनी बहन के हिस्से की मिठाई उसके लिए रखेंगे, इससे पता चलता है कि आप में आत्मसम्मान है। क्योंकि जिन व्यक्तियों में आत्मसम्मान होता है वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं और लालच में नहीं आते। लालच में ना आना आत्मसम्मान की निशानी है। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना,
हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना। क्या आपने कभी लालच किया है? क्या आप इसके बारे में अपने दोस्त को बताएंगे? अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। रवि को अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिका वापस मिली। रवि को गणित की परीक्षा में 99 अंक मिले थे। उसके सारे जवाब सही थे, पर उसने एक छोटी सी भूल कर दी थी, जिसकी वजह से शिक्षक ने एक अंक काट लिया था। उसके दोस्त राजेश ने सुझाव दिया कि वह शिक्षक से विनती करे कि उसे एक अंक दे दिया जाए, ताकि उसे पूरे 100 अंक मिल जाए। अब रवि को क्या करना चाहिए? शिक्षक से विनती करनी चाहिए कि वे उसे एक अंक दे दे? राजेश से कहना चाहिए कि मैं इसी के योग्य हूँ? राजेश से कहना चाहिए कि वह उसके लिए शिक्षक से बात करे? धन्यवाद, सही कहा। रवि को राजेश से कहना चाहिए कि मैं इसी के योग्य हूं। रवि एक अंक के लिए विनती नहीं करना चाहता। इससे पता चलता है कि उसमें आत्मसम्मान है। शिक्षक ने रवि को बताया था कि उसका एक अंक क्यों काटा गया। रवि को यह आभास है कि उसके पर्चे में कुछ गलती थी, इसीलिए वह 100 अंक प्राप्त करने के योग्य नहीं है। शिक्षक से विनती करने का अर्थ होगा ऐसी चीज मांगना जिसके वह योग्य नहीं है। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना। आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना। अब अगली परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मोहन और कुमार एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे अगल बगल बैठकर गणित की परीक्षा दे रहे हैं। मोहन कोई फार्मूला भूल गया, इसीलिए वह एक समस्या हल नहीं कर पाया। उसने बाकी सारे सवाल हल कर लिए थे, इसीलिए वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया था। क्लास के शिक्षक किसी छात्र को लिखने के लिए कागज दे रहे थे। उस समय कुमार ने मोहन से पूछा, क्या हुआ, सिर दर्द हो रहा है क्या? मोहन ने कहा, मैं आखिरी सवाल का फार्मूला भूल गया हूँ। कुमार ने अपने पर्चे में लिखा हुआ फार्मूला मोहन को दिखाया। अब मोहन को क्या करना चाहिए? क्या तीन विद्यार्थी स्वेच्छा से आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अपने प्रयास के लिए धन्यवाद। मोहन ने नकल करने से मना कर दिया। इससे हमें मोहन के बारे में क्या पता चलता है? कभी कभी कोई सही काम करने के लिए कुछ गलतियां भी करनी पड़ती हैं। मोहन अपने सिद्धांतों पर टिका रहा और मदद मिलने के बावजूद उसके मन में नकल उतारने का विचार नहीं आया। इससे हमें पता चलता है कि हमें अपने सिद्धांतों और विचारों पर दृढ़ रहना चाहिए, भले इस वजह से हमें परीक्षा में कम अंक क्यों ना मिले। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना,
हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना। आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना। अब्राहम जोशुआ हेशल ने बहुत ही स्पष्ट रूप से यह कहकर बताया है, आत्मसम्मान अनुशासन का फल स्वरूप है। अनुशासन होने से हम खुद पर काबू रख सकते हैं। ऐसा करने से हम मान मर्यादा का सही अर्थ समझ पाते हैं। मैं दोहराती हूं, आत्मसम्मान अनुशासन का फल स्वरूप है। अनुशासन होने से हम खुद पर काबू रखना सीखते हैं। ऐसा करने से हम मान मर्यादा का सही अर्थ समझ पाते हैं। अब एक कहानी सुनिए। बीरेंद्र हमेशा बस से स्कूल जाता है। एक दिन उसकी बस छूट गई। उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने उसे बस स्टॉप पर खड़े देखा और कहा कि वह उसे स्कूल छोड़ देगा। वह उसी रास्ते से दफ्तर जाने वाला था। उस दिन के बाद वीरेंद्र उनके साथ स्कूटर पर ही स्कूल जाने लगा। जिस दिन वह पड़ोसी दफ्तर ना जाता, वीरेंद्र निराश होकर उनसे पूछता, काका आज आप नहीं जाने वाले हैं क्या? इससे हमें वीरेंद्र के व्यवहार के बारे में क्या पता चलता है? धन्यवाद। वीरेंद्र के व्यवहार में सम्मान की कमी है। जब जरूरत हो तब दूसरों से मदद ली जा सकती है, पर हमें दूसरों पर निर्भर नहीं हो जाना चाहिए। जिनमें आत्मसम्मान होता है उन्हें दूसरों से मदद लेने में शर्मिंदगी महसूस होती है। वे अपना काम खुद करने में विश्वास रखते हैं। वे सकारात्मक तरीके से अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते हैं। आत्मसम्मान का मतलब है आत्मनिर्भर होना। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना। आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, आत्मनिर्भर होना। आपको अखबार की एक खबर स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। स्कूल जाने वाली 3 छात्राओं ने आत्महत्या की। सूत्रों से पता चला है कि सोमवार के दिन अलग अलग वारदातों में 3 स्कूल जाने वाली छात्राओं ने आत्महत्या की। परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। हमने देखा कि करीब 16 साल की 3 नव युवतियों ने अपने जीवन को खत्म करने का कठोर कदम उठाया। परीक्षा में कम अंक आने की वजह से उन्होंने इस तरह का काम किया। उन पर किसी की उम्मीदों का पूरा करने का दबाव था जिसे वे नहीं झेल पाए। फलस्वरूप उन्होंने ऐसा कठोर कदम उठाया। इससे पता चलता है कि उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी थी। परीक्षा में उत्तीर्ण होना जरूरी है, पर कम अंक आने का मतलब यह नहीं है कि अब कोई विकल्प ही नहीं बचा। अगर कोई व्यक्ति असफल हुआ हो तो उसे फिर से प्रयास करना चाहिए। उसे अपनी गलतियां पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आत्महत्या किसी बात का हल नहीं है। आत्महत्या करने का मतलब है यह स्वीकार करना कि आप खुद के जीवन की कद्र नहीं करते। इससे यह पता चलता है कि आपको खुद पर यह विश्वास नहीं है
कि आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। हम सब में कोई ना कोई खूबी होती है, पर किसी भी इंसान में सारी खूबियां नहीं होती। जैसे कि ब्लेस पास्कल ने कहा है, हमें यह समझना चाहिए कि हम सब में कोई ऐसा गुण होता है जो और किसी में नहीं होता। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी व्यक्ति में सारे गुण हों। ये तो हम पर निर्भर करता है कि हम इस बात को समझकर किस तरह जीवन में आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझकर हमें चुनौतियों का सामना करना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा आत्मघाती व्यवहार पराजयवादी मानसिकता दर्शाता है। हमें ऐसी सोच की निंदा करनी चाहिए। आइए फिर से कहें, ऐसा आत्मघाती व्यवहार पराजयवादी मानसिकता दर्शाता है। हमें ऐसी सोच की निंदा करनी चाहिए। क्या अब हम खुद के बारे में कुछ जानने के लिए एक कार्यकलाप करें? इस तालिका को देखिए। इस तालिका को अपनी नोटबुक में बनाइए। पहले खंड में आपको लिखना है कि आपको अपने बारे में क्या पसंद है। दूसरे खंड में ऐसी चीजें लिखिए जो आप ठीक से कर पाते हैं, पर आप उनमें और सुधार ला सकते हैं। तीसरे खंड में आपको ऐसी चीजें लिखनी है जो आपको अपने बारे में पसंद नहीं है। चौथे खंड में लिखिए कि आपको जो चीजें अपने बारे में पसंद नहीं है उन्हें बेहतर बनाने और सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। फिर कोई दो छात्र स्वेच्छा से इस बारे में सबको बताएंगे। क्या हम तैयार हैं? मुझे अपने बारे में जो बातें पसंद हैं, मुझे अपने बारे में जो बातें पसंद नहीं हैं, ऐसी चीज़ें जो मैं ठीक से करता या करती हूँ पर मैं उसमें और सुधार ला सकता या सकती हूँ। इन बातों को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकता या सकती हूँ? अच्छा प्रयास था छात्रों। अपनी अच्छी बातों के बारे में बात करना आसान होता है, पर अपनी कमजोरियों के बारे में बात करने के लिए साहस चाहिए। जिन छात्रों ने स्वेच्छा से अपनी कमजोरियों के बारे में सबको बताया, उनके लिए तालियां बजाइए। मुझे खुशी है कि आप सब ने अपनी कमजोरियों को सुधारने के तरीके पहचान लिए हैं। ऐसा करने के लिए बहुत साहस चाहिए। हमने आत्मसम्मान के कई पहलुओं के बारे में जाना। हमने देखा कि आत्मसम्मान का असर हमारी बातों पर, सोचने के तरीकों पर, इच्छाओं पर, सिद्धांतों पर, भावनाओं पर, जिम्मेदारियों पर और कार्यों पर पड़ता है। किसी व्यक्ति के जीवन काल में ज्यादातर चीजें उसके आत्मसम्मान से निर्धारित होती है। क्या हम देखें कि आत्मसम्मान होने के सकारात्मक परिणाम क्या होते हैं? आत्मसम्मान से दृढ़ता आती है। जिनमें आत्मसम्मान होता है वे यह पहचान पाते हैं कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। वे खुद को ठीक से समझ पाते हैं और यह जानते हैं कि उनमें कौन सी खूबियां हैं। उन्हें यह भी पता होता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, पर वे किसी भी कीमत पर सफलता प्राप्त करने के लिए पागल नहीं रहते, क्योंकि वे सिद्धांतवादी होते हैं। वे दृढ़ता से अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह प्राप्त की गई सफलता से संतुष्टि मिलती है। वे अपनी मर्यादा को समझते हैं और अपने गुणों पर ध्यान देकर सकारात्मक तरीके से काम करते हैं।
किसी व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं जिसके आत्मसम्मान वाले व्यवहार से आप बहुत प्रभावित हुए हो? क्या आप इसके बारे में सबको बताना चाहेंगे? अपने अनुभव बताने के लिए धन्यवाद। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर आपको प्रेरणा मिली होगी। ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बात कर पाना बड़े सौभाग्य की बात होती है। उनसे हम बहुत कुछ सीख पाते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी अपने जीवन में आत्मसम्मान वाला दृष्टिकोण अपनाएंगे। उस उद्देश्य को पाने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसके बारे में दूसरों को बता सकते हैं? धन्यवाद। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? आत्मसम्मान का मतलब है अपनी मान मर्यादा और ईमानदारी को सही रूप से जानना। आत्मसम्मान की निशानियां, अपने रूप रंग इत्यादि को लेकर खुद में कोई कमी महसूस ना करना, अहंकारी ना होना, हालात के आगे कमजोर ना पड़ना, जिम्मेदार बनना, लालच ना करना, कुछ पाने के लिए मेहनत करना, आप जिस चीज के योग्य हैं उसे शिष्टता से स्वीकारना, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहना, आत्मनिर्भर होना, अपने गुणों और कमजोरियों को ठीक से समझना, गुणों को संवारना और कमजोरियों के सामने हार न मानना, पराजय, गलतियों और कमियों से ऊपर उठकर फिर से प्रयास करना। इतनी अच्छी तरह सत्र का सार संक्षिप्त करने के लिए धन्यवाद। बच्चों, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपके लिए ज्ञानवर्धक एवं रोचक रहा होगा। कल रविवार है, आप मस्ती के साथ साथ पढ़ाई करना इस हफ्ते, और पढ़ाए गए सभी पाठों को दोहराना न भूलिएगा। अब हम फिर मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते। बच्चों, हमारे इस कार्यक्रम के कंटेंट पार्टनर है NCERT अपराजिता फाउंडेशन। इसके अतिरिक्त श्री मनोज कुमार यादव जी ने आज के वीडियो में अपना योगदान दिया है, तथा इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग यूनिसेफ, स्टरलाइट आइडेंटिया फाउंडेशन एवं पीरामल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें। कार्यक्रम से संबंधित आपके सुझाव हमें ईमेल और डाक द्वारा भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021@gmail.com और डाक का पता है निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, 111 सहेली मार्ग, सहेलियों की बाड़ी के सामने, उदयपुर 313001।